15 साल से ओएनजीसी में काम कर रहे थे और यहां पे जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उस कंपनी के द्वारा इन लोगों को रोजगार के नाम पे ठगने का काम किया जा रहा था और इन लोगों को पैसा नहीं देने के कारण इन लोगों को काम से वंचित करने का काम किया गया, जिसके कारण अपने आदरणीय अमर कुमार बावरी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चालकों का आंदोलन शुरू हुआ। बस हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो चूंकि कागजी कार्रवाई हमारी मंडे को कंप्लीट हो जाएगी, बट एक डिसीजन ले लिया गया प्रबंधन की तरफ से। ठीक है, आपके इस परमिशन के इस पे ही है, क्योंकि जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं रहा तो हमारी मांग को देने वाला जब नहीं रहा तो ये आंदोलन अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो हम लोग इसको आज यहीं पर स्थगित करते हैं। लेकिन मेरा एक ही आग्रह होगा कि आप जब भी अब नई कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप इशू करें या पब्लिश करें उसमें एक कॉलम जरूर ये कहें कि भाई हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो ड्राइवर रखे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी हमारा जो भी एग्रीमेंट होता है या जो भी किया जाता है उसमें लिखा गया है जो भी कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, लेकिन जो उस सेम स्केल का या सेम स्किल का कोई यदि लेबर कार्यरत है तो उसको उसी में एडजस्ट करने का है। लगभग 2 महीने से, पिछले 2 महीने से ONGC में स्थापना काल से लगभग 24 चालक जो यहाँ कार्यरत थे, एक नए कॉन्ट्रैक्टर जो बाहर के थे उनके आने के कारण उनके आजीविका पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। और कंट्रेक्चुअल बेसिस में यह नौकरी लगातार 15-20 सालों से जो ये लोग लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता था लेकिन नौकरी बरकरार रहती थी। प्रबंधन के लोगों का भी ये इच्छा थी कि भाई जो लोग अनुभवी हैं जिनको जानकारी है सारे साइट्स देखा हुआ है वो रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के अपने जिद के कारण और सिर्फ अपना पक्ष देखने के कारण हम लोगों का ये आंदोलन लंबा चला और बाध्य होकर के जो वायलेशन वो कर रहे थे जो 24,000-26,000 का जो पेमेंट है वो 8,000 में देने के लिए ITM रखने का उनसे एग्रीमेंट पहले ही साइन कराने का कि भाई 24,000 हम नहीं देंगे, हम 8,000 देंगे, 10,000 देंगे, ऐसा जो दबाव बना रहे थे उस दबाव के खिलाफ ये लोग खड़े हुए, दबाव को स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि उस कॉन्ट्रैक्टर जो मन जो है ना वो गलत मंशा लेकर के जो आया था यहाँ का मजदूरों का शोषण करने के लिए उसकी मंशा फेल हुई और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने का इस प्रबंधन ने फैसला लिया है। इस दृष्टिकोण से आज इस आंदोलन को हम लोग समाप्त स्थगित करते हैं। ये जो मांग थी स्थापना काल से ये लोग अपना पूरा जीवन पूरा जवानी दे करके काम कर रहे थे ONGC में ये चालक, इन लोगों के मांग को, इन नियोजन की मांग को और न्यूनतम वेतन की मांग को जो अपने आउटसोर्सिंग कंपनी थी वो इनकार कर रही थी इनको नियोजन देने से, उसके लेकर के ये लोग आंदोलनरत थे। हम लोगों ने गांधीवादी रास्ता अपनाया और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज 10वां दिन ये मैनेजमेंट के इस निर्णय से कि जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी अनियमितता कर रही थी, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रही थी, उसको रद्द किया गया। इस कारण हमारा यह आंदोलन समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि जो नई कंपनी आएगी फिर से वो इन 24 साथियों को नियोजन देने का काम करेगी न्यूनतम मजदूरी के साथ। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।